हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सारे फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम मजे में ना। मेरी पूरी कुकिंग पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहो और खूब खुश रहो, बस यही अभिलाषा की अभिलाषा है। आज फ्राइडे है और शाम को 6 बज रहे हैं। शुभी को कोटा छोड़ करके आए हैं हम। कल काफी थकान थी और भुसावल आने के बाद पता चला कि भुसावल में टोटल लॉकडाउन हो गया है। ड्यूटी के लिए तो गुप्ता जी गए ही थे, लेकिन बाकी जैसे बीच में अभी नॉर्मल हो गई थी सिचुएशन, वैसी बिल्कुल भी नहीं है। शाम का टाइम है, शुभम अभी थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा है। ये देखो सारा दिन अब अकेले है ना, दीदी भी नहीं है, तो लड़ाई झगड़े करने के लिए भी भाई बहन चाहिए ना, एक से दो। अब अपना काम उसके बाद वो भी आराम कर रहा था, मैं भी थोड़ी देर लेटी थी। और शुभे हमारे बिल्कुल सही है, जहाँ पर भी है हमारी बात होती है, उसका पढ़ाई में भी मन लग रहा है। और बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं देना चाह रही थी, इसलिए मैंने नहीं दिया, बस हम लोग छोड़ करके आए हैं। उसका जो भी हमने जहाँ रखा है, रहना खाना सब बिल्कुल सही है, उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, उसकी क्लासेस भी चल रही है। वहां पर सिचुएशन ऐसी ही है कोरोना की, लेकिन वहां पर सारा पूरा माहौल उस तरीके का है कि सारा देख रेख के साथ ही है सब, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सभी की ब्लेसिंग्स चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, जिस काम के लिए, जिस मकसद से शुभी पढ़ने गई है, जो उसका कोर्स है वो पूरा हो जाए और उसमें उसको सफलता मिले ना, बस यही चाहती हूँ मैं। और आज का अब रात के डिनर की मैं क्या तैयारी करूँ, वही दिमाग में चल रहा है। दोपहर का जो खाना बना, अब हम 3 लोग हैं, लंच में जो बना थोड़ी सी सब्जी बची हुई है, रात में क्या बनाया जाए। और सब्जियां इन दिनों ज्यादा मिल भी नहीं रही है, लॉकडाउन है, तो जो है घर में उसी हिसाब से ही कुछ बनाना करना है, जो कि सबका मन से हो जाए, तो ऐसा ही कुछ मैं बनाने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं हमारा आज का जो व्लॉग है कि आज मैं क्या बनाऊंगी, और कुछ मीठा भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपने किचन के लिए एक नई कढ़ाई ली है और वो आपको दिखाऊंगी भी। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है, तो वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। फ्रेंड्स, मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और इस शॉपिंग में मुझे ढेर सारा डिस्काउंट मिला है, एक्स्ट्रा कैश बैक के साथ मैंने ये शॉपिंग की है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ किचन आइटम्स में ही आपको ये कैश बैक मिलेगा, यहाँ तक कि फैशन हो, किचन आइटम्स हो, होम डेकोर है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, और फूड आइटम्स में भी आपको कैश करो के थ्रू एक्स्ट्रा कैश बैक मिलता है। मैं ज्यादातर शॉपिंग करती हूँ अजियो, मिंत्रा, अमेजोन से, लेकिन वहां से डायरेक्ट शॉपिंग ना करते हुए मैं बाय करती हूँ कैश करो के थ्रू। इससे क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा कैश बैक मिलता है, और कैश करो के थ्रू जो हमें अब डिस्काउंट मिलता है, जो अमाउंट है वो रियल अमाउंट होता है, और उसे हम अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कैश करो इंडिया की बिगेस्ट कैश बैक ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, और ऑरेंज बटन को प्रेस करें एक्स्ट्रा कैश बैक सेव करने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या परचेज किया है। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ये विनोद की स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है। मेरे पास एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई थी, जब मैं कभी कभी दूध का आइटम्स बनाती हूँ तो बहुत से व्यूवर्स कहते थे कि आप एक दूसरी कढ़ाई ले लीजिए स्टील की, और मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट किया था, तो आपकी सजेशन से ही मैंने फिर ये कढ़ाई ली है। ये है विनोद की स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, इसमें एक लिड दिया गया है और उस पर हैंडल है लिड में, वो बहुत बढ़िया है। और ये देखो इस कढ़ाई का, ये इंडक्शन बेस्ड है तो इंडक्शन में भी यूज होगी और गैस पर भी यूज होगी, तो ये स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है। और इसका प्राइस देखिए, अमेजोन से इसका प्राइस और कैश करो के थ्रू लेने से इसका प्राइस, दोनों ही प्राइस में कितना फर्क है, दोनों ही प्राइस मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले ही मेरे पास 2-3 तरह की कढ़ाई है, आयरन की कढ़ाई है, कास्ट आयरन है, मिक्स मेटल है, एल्यूमिनियम की थी, लेकिन स्टेनलेस स्टील की इतनी अच्छी हैवी बॉटम की कढ़ाई नहीं थी जो कि मैंने ली है, और इसे लेकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कढ़ाई काफी अच्छी है, यूजफुल है। यदि आपको भी ये कढ़ाई पसंद आएगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आइटम मैंने लिया है ये किचन यूटेंसिल होल्डर, ये छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है, यूजफुल है, मुझे पसंद आया, मेरी जरूरत का था, क्योंकि अक्सर जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो चम्मच है, स्पैचुला है, कलछी है,
ये हमेशा एक प्लेट में हम लोग साइड में रखते हैं ना, लेकिन ये जो स्टैंड जैसा है यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं, और एक दो तीन चार, चार चम्मच या कलछी, कोई भी राइस का एक अलग स्पून होता है, दाल का है, सब्जी का है, कहीं कुछ फ्राई कर रहे होते हैं, तो हम लोग को साइड में ना रख करके हम इसमें रख सकते हैं। तो ये मुझे यूजफुल लग रहा था तो मैंने लिया है। और इसकी भी आप प्राइस देख रहे हैं, मैं दोनों ही प्राइस स्क्रीन पे दे रही हूँ, अमेजोन का और कैश करो के थ्रू लेने के बाद। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी मुझे डिस्काउंट मिला है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 25 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैश करो ऐप को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे ओपन करके कैश करो ऐप को डाउनलोड करके साइन इन कर लें, आपको 25 रुपीज का बोनस इंस्टेंटली मिल जाएगा। कैश करो में 1500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं। आप अपनी फेवरेट वेबसाइट को टैप करें, ऑरेंज बटन को प्रेस करें, जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हैं ठीक वैसे ही शॉपिंग कर लीजिए। लेकिन अगर आपको वो प्रोडक्ट चाहिए जो मैंने परचेज किए हैं, इसके लिए कैश करो को डाउनलोड करके साइन इन करने के बाद प्रोडक्ट की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसे टैप करें, ऑरेंज बटन को प्रेस करें और कैश करो आपको अमेजोन की वेबसाइट पर ले जाएगा। फिर जैसे आप नॉर्मली शॉप करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, बाय करते हैं, ठीक वैसा ही करना है। और आप अमेजोन के कूपन कोड का भी यूज कर सकते हैं कैश करो के कैशबैक के साथ। ऑर्डर करने के बाद आप कैश करो की माय अर्निंग सेक्शन में जा करके कैशबैक और रिवॉर्ड्स भी देख सकते हैं। पहले वो पेंडिंग दिखेगा लेकिन बाद में जब आप रिटर्न या कैंसिल नहीं करते हैं तो वो कंफर्म हो जाता है। इसके बाद उस मनी को आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अमेजोन कूपन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक थर्ड आइटम है, ये मैंने मंगवाए हैं छोटू छोटू से क्यूट से फ्लावर पॉट। इसे किचन में रख सकते हैं, तो जैसे वहां पर ग्लास सेल्फ लगी हुई है ना किचन में, हमारे यहाँ वहां रख सकते हैं, काउंटर टॉप में भी रख सकते हैं। तो ये जो प्यारा सा फ्लावर पॉट है ये मुझे बहुत पसंद आया, तो किचन के लिए शो पीस की तरह यूज कर सकते हैं या फिर आप कहीं और भी रख सकते हैं। वैसे मुझे ये काउंटर टॉप में रखना है। और फोर्थ एंड लास्ट आइटम है जो कि बहुत यूजफुल है, हमारे यहाँ ऑलरेडी है थाली, ये जो भोज थाली है, लेकिन उसमें तीन ही सेक्शन थे तो हमने इसलिए ये लिया है जिसमें, और इसमें यहाँ पर तीन सेक्शन है। कई बार होता है ना कि ज्यादा वैरायटी हो तो खाने के लिए फिर परोसने में ये बहुत बढ़िया होती है, थाली एक ही होती है, बर्तन भी ज्यादा नहीं निकलते हैं। तो ये मुझे काफी टाइम से लेना था तो फाइनली मेरी नजर गई इसमें और ये मैंने लिया। और आप देख रहे हैं कि इसमें भी सेम वही चीज है कि अमेजोन का प्राइस और कैश करो के थ्रू प्राइस दोनों में कितना अंतर है, और ये मैंने ली है। तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, अगर आपको पसंद आए तो ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, या और भी बहुत सारे आइटम जो भी आपकी पसंद के हैं। बस आपको करना यही है कि आपको डायरेक्ट ना ले करके आपको कैश करो के थ्रू लेना है, तो आपको एक्स्ट्रा कैश बैक मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा और आप भी मेरी तरह से स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उसमें आपको ऐप डाउनलोड करने से 25 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो 25 रुपए का डिस्काउंट जरूर लें, एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन जरूर करें और इसका फायदा उठाएं। तो इस टाइम पर वही शाम के 6 बज रहे हैं, शाम का ऐसा टाइम होता है कि हल्की भूख होती है सबको, लेकिन अब क्या खाया जाए। फिलहाल अभी ड्यूटी से लौटे गुप्ता जी तो ये सब्जियां लाए हैं, टमाटर, खीरा, नींबू और हरी मिर्ची, अदरक वगैरह रखी हुई थी, और फ्रूट्स आए हैं, बनाना, ग्रेप्स, तो मैंगो भी आए हैं, मैंने फ्रिज में रखा है मैंगो, और वाटरमेलन भी है। वाटरमेलन मैं कट कर रही हूँ क्योंकि ये कल आया हुआ था, वाटरमेलन कल शाम में ही आया था, हमने उसको फ्रिज में रख दिया था, अच्छा खासा ठंडा है, तो अभी इसलिए मैंने इसको आज निकाला है काटने के लिए। और कल ही मैंगो भी आए थे इसलिए वो भी फ्रिज में है, बनाना और ग्रेप्स आज आए हैं। फ्रूट्स अवेलेबल हैं, वेजिटेबल्स के लिए बोल रहे हैं गुप्ता जी कि डेली नहीं मिलेंगी अब सब्जियां, और अभी कुछ सब्जियों में स्वाद नहीं आ रहा था, मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने मना किया था। भिंडी आई, गोभी रखी हुई है फ्रिज में, भिंडी बनी थी, और बस लौकी, तोरई, यही सब सब्जियां हैं, जब देखा जाएगा मंगाएंगे। फिलहाल आलू प्याज रख लिए हैं घर में हमने, क्योंकि अब लॉकडाउन है तो कुछ कह नहीं सकते ना कब क्या मिले ना मिले, और टिफिन को तो सुबह सब्जियां चाहिए रहती हैं, सूखी सब्जियां। वो भी फ्रूट्स काटते समय शुभी की याद आई
जाहिर सी बात है अब हर चीज में याद आएगी शुभी को खिलाने के लिए, तो शुभी है नहीं ये पता है। मैंने बोला उनको कि फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, जहां हमने शुभी को रखा है ना वहां दूध तो रात में मिलेगा, खाना दोनों टाइम है, ब्रेकफास्ट है, लेकिन फ्रूट्स कहाँ मिलते बाहर में। तो वही उसको बोला है कि तुम लेके खा लिया करना, लेकिन जब वो लें तब खाएं तब जानो। ये मैंने निकाला है पॉट और इसे मैंने यहाँ रखा हॉल में, और एक बार यहाँ किचन के पास रख के देखा जो मैंने बोला था ग्लास में रखने के लिए, तो अच्छा लग रहा है वहीं रख लिया, मैं किचन में ही रखूंगी उसको। और ये जो कढ़ाई है इसे मैं धुलने के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें मीठा बनाने वाली हूँ, तो कोई भी नया बर्तन है तो पहले एक बार वॉश करना सही होता है। और ये जो इसकी लिड है बहुत बढ़िया है, कढ़ाई काफ़ी हैवी बॉटम है, बहुत अच्छी है। और ये देखो वेट है काफ़ी इसमें, इसका स्टिकर निकाल दे रही हूँ वरना बाद में फिर स्टिकर जल्दी निकलते नहीं है एक बार गर्म हो जाने के बाद फिर। और इसे मैंने डाला है दूध, दूध के साथ में ये मैंने लिया था मार्केट से ड्राई फ्रूट फालूदा केसर पिस्ता, ये साईं जीवन से लाई थी और शायद मैंने दिखाया भी था। दूध 1 लीटर से शायद थोड़ा कम होगा क्योंकि ये कल का दूध है, जैसे कल वाला दूध आज यूज किया मैंने, अब शाम में हमारे यहाँ नया दूध आता है। दूध में उबाल आने के बाद इस पैकेट को हाफ डाल रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो पैकेट है इसमें 1 लीटर दूध का यूज होता है, तो फुल पैकेट डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये हाफ तो है दूध, 1 लीटर पूरा नहीं है और थोड़ा शायद उससे कम या ज्यादा कुछ अंदाज से नहीं कह सकती, इसलिए मैंने हाफ पैकेट यूज किया है हाफ समझ के। और दूध को बॉयल आने के बाद जब ये डाला है तो इसमें उबाल आने दी है, अब ये थोड़ा सा वर्मी सैली में इसमें एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। ये जो पैकेट है इसमें केसर पिस्ता वर्मी सैली और सब्जा वगैरह सब रहता है, यहाँ पर मैंने सब्जा और डाला, एक छोटी चम्मच के हिसाब से 1 छोटी चम्मच सब्जा डाला है मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। ड्राई फ्रूट इसमें ऑलरेडी हैं 4-6 जो दिखते रहते हैं, लेकिन और ज्यादा डालने के लिए मैंने काजू और किशमिश और पिस्ते, इन 3 ड्राई फ्रूट्स का यूज करूंगी। तो मैंने टुकड़े करके रखे हैं काजू के, 2-2 टुकड़े करके टुकड़े किए छोटे, और किशमिश है। तो जैसे इसमें उबाल आ गई, हल्का सा गाढ़ापन हुआ, तो इस फालूदा में हम मिक्स कर लेंगे। इसको ठंडा ही खाना होता है, अच्छा लगता है ठंडा ठंडा, लेकिन चूंकि मैंने अभी बनाया है इसलिए सबसे पहले मीठा बनाया है कि खाने के टाइम पर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये मैं फ्रिज में रखूंगी बचा हुआ, तो अगले दिन बहुत अच्छा लगता है फालूदा मिक्स बनाऊंगी मैं फ्रूट्स के साथ। ये मैंने पिस्ते भी डाले हैं थोड़े कटे हुए, तो ये हमारा केसर पिस्ता वाला डिलाइटफुल स्पेशल ड्राई फ्रूट फालूदा है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे फ्लेवर्स में आते हैं, जल्दी बन जाता है, इंस्टेंट स्वीट बनता है ये। मैंने सेपरेटर का कुकर में दाल डाली है और चावल डाले हैं। मुझे फिर किसी ने पूछा है, नए व्यूवर्स होते हैं तो सवाल होते हैं उनके डब्बा देखते ही, ये कहाँ मिलते हैं, ये स्टील की शॉप में मिलते हैं कंटेनर, और इसमें कितना चावल और कितना पानी डालना है ना। मैं यहाँ पर 1 कप भर के चावल डाला है मैंने, और 1 कप ली है तुअर दाल। 1 कप तुअर दाल में मैंने 2 कप के करीब पानी डाला है, क्योंकि पानी हम बाद में भी दाल में बढ़ा सकते हैं, चावल में तो बाद में नहीं बढ़ा सकते, इतना तो चाहिए कि चावल हमारा पक जाए। तो मैं 1 कप में 2 कप पानी डालती हूँ, 1 कप राइस में 2 कप पानी, तो मैंने उतना ही डाला और भिगो के रखा। शाम 6 बजे के बाद ही इन दिनों में पौधों में पानी डालती हूँ, सुबह वाला तो ये रहता है कि 8 बज जाते हैं कई बार, जैसे गुप्ता जी गए ड्यूटी से उसके बाद ही फिर मैं पानी वानी डालती हूँ सुबह और शाम। तेज गर्मी हो गई है, भले ही थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें लेकिन डाल देती हूँ मैं इस टाइम पे दोनों टाइम, वैसे तो 1 टाइम में भी काम चल जाता है, काफी तेज गर्म रहता है। और छोटे छोटे से तो गमले हैं, आधा मग पानी आ पाता है एक एक गमले में, नीचे प्लेट लगा रखी है, जो पानी एक्स्ट्रा आता है वो प्लेट में आ जाता है। एक पॉट मैंने बालकनी में रखा है जिसे पानी भर के रखती हूँ, तो जो हमारे यहाँ स्पैरोज आती हैं वो अब यहाँ बालकनी में भी आके पानी वानी पीती हैं, अच्छा लगता है मुझे उनको देखकर, और इसीलिए गर्मियों की शुरुआत में ही हमने रख लिया है। तो बस यही सब काम शाम वाले, और अभी कुछ पहले जैसा रूटीन मेरा बन नहीं रहा है, मतलब क्या कहूँ ना, वो चीज़ नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा। कुकर में मैंने ये प्लेट लगाई है, जाली वाली प्लेट, इसमें मैंने करीब 1.5 गिलास पानी डाला है, और ये जो तुअर दाल मैंने पानी डाल के रखी थी इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 छोटी चम्मच मेथी दाना डाला है, जिसे दाल में मेथी पक जाती है और फिर दाल में तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, नमक स्वाद के अनुसार डालना है, चावल में थोड़ा सा पिंच सॉल्ट डाला है मैंने,
और एक चम्मच घी डाल दिया है। बस अब इन कंटेनर्स को हम कुकर में रखेंगे। अगर चाहूँ तो देखो दाल चावल बनाना है मुझे, तो मैं 3 लीटर के कुकर में दाल बना सकती हूँ। बाद में मुझे दाल फ्राई करनी है तो वो दूसरे बर्तन में शिफ्ट हो ही जाएगी, फिर हम उसी कुकर में चावल बना सकते हैं। लेकिन ये काम तब सही रहता है एक साथ बनाने का, जब आपको कम समय में कर लेना है और चावल आपके यहाँ कम खाने वाले हैं, यानी चावल हमारे यहाँ कम लगना है क्वांटिटी, इसलिए सेपरेटर में आराम से बन जाता है। इस चावल में भरपेट खाने के लिए हम 3 लोग खा लेंगे, मैं, शुभम और गुप्ता जी, मतलब अच्छा खासा सफिशियंट बनता है। बड़ी जो कंटेनर है पूरा फुल बन जाता है। कुकर में थोड़ा ज्यादा बनाना है, इससे ज्यादा, तो फिर वो 3 लीटर का कुकर सही रहता है। तो चूंकि मुझे मालूम है कि रात में इतने में अच्छे से हो जाना, बचे नहीं चावल, तो बस। और दूध आया था पैकेट, मैंने अभी निकाल के रखे हैं बॉईल करने के लिए, इतने मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं। और कुकर में एक विसिल तेज स्टीम आती है, उसके बाद धीमी कर देते हैं, और धीमी आंच में 3 सीटी लिया है हमने, और इंडक्शन ऑफ कर देंगे। तो भाप पूरी निकलने के बाद ही कुकर का लिड खोलेंगे, तब तक वेट करेंगे जिससे चावल अच्छे से पक जाता है और दाल भी गल जाएगी। और यहाँ दूध बॉयल हो चुका है तो मैंने इसको कवर किया है प्लेट से। बस इसी तरीके के काम होते हैं शाम के टाइम के खाने की तैयारी वाले। और शुभ से, और अब कुछ मिनट के बाद जब पूरी स्टीम निकल गई है ना, 3 सीटी धीमी करने के बाद लेना चाहिए, गैस आंच की धीमी करने के बाद, तो वो पूरा चावल भी पकता है और दाल भी पक जाती है। और ये मैंने डब्बा निकाला चावल का, फिर मैंने दाल वाला डब्बा निकाला, और कढ़ाई रखी है गरम करने के लिए, इंडक्शन बेस कढ़ाई है। मजा आया आज इसमें, मीठा जो मैंने बनाया बिल्कुल भी तली में चिपका नहीं था, हैवी बॉटम है। घी गरम होते ही मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, और 1 लाल सूखी मिर्च को 2 टुकड़े करके मैंने डाला है तड़के के लिए, अच्छी लगती है लाल खड़ी मिर्च दाल फ्राई में। और 1 छोटी गांठ प्याज डाली है, चुन के डाली है क्योंकि मुझे थोड़ी सी ही प्याज डालनी थी, तो छोटी सी गांठ काट के डाली है बारीक करके, और इन्हें फ्राई होने देंगे। फिर मैंने हींग डाली है चुटकी भर, और बस अब सभी चीजें लग चुकी हैं लगभग, तड़के वाली चीजें, क्योंकि हींग की खुशबू अलग ही रहती है दाल में, लहसुन प्याज और लाल मिर्ची, और साथ में टमाटर डाल करके भूनना है, टमाटर अच्छे से पक जाए तब तक। और फिर मैंने लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाला है, इसे हम कवर कर देंगे, और बस कुछ ही मिनट में देखेंगे तो जो हमारा टमाटर है वो गल जाएगा। इतना ही हमें गलाने के लिए ऐसा करना था। इसकी लिड है काफी हैवी है, हैंडल काफी अच्छा है, कढ़ाई की भी हैंडल्स बहुत बढ़िया है। और इसके बाद अब मैंने ये दाल डाली है, जो मैंने दाल अभी पकाई थी, दाल गाढ़ी है, और मैंने बोला था कि पानी हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन पानी गर्म पानी डालें, तो 1 भगोने में गर्म पानी किया आधा ग्लास करीब, और ये मैंने दाल में डाला। दाल कितनी पतली चाहिए आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। और दोपहर की आलू गोभी की सूखी सब्जी रखी हुई है, तो रात के खाने में हम लोग दाल फ्राई, आलू गोभी सूखी सब्जी, चावल और सैलड यही खाएंगे। और मीठे में मैंने खीर बनाई है। ये मैंने धनिया पत्ता काट के डाला है और इंडक्शन ऑफ कर दिया है। बस दाल तैयार हो गई है। तो इस टाइप से जैसा कि मैंने बोला, कुकर में भी बना सकते हो आप, फिर दाल तो आपको तड़का करना ही है, फ्राई करनी है, बस वही है कि चावल थोड़े से लगने हैं, इस वजह से मैंने इसमें कर लिया एक साथ ही। और इसमें कुकर गंदा भी नहीं होता, साफ का साफ रहता है, और डब्बे में अलग से चावल रखे रह जाते हैं, फिर आपको पलटना नहीं होता है। और ये मैंने खीरा काटा है, नींबू डाला है, हल्का सा नमक डाला है लाल वाला, और ये सब्जी मैं खाली कर रही हूँ डोंगा फटाफट से, सब पूरा बांट रही हूँ 3 थालियों में, क्योंकि अब बचाना नहीं है। लंच टाइम पे बनाई थी मैंने गोभी आलू सूखी सब्जी, सब्जी बहुत स्वाद बनी थी, लेकिन खाने का दिल नहीं कर रहा था आज, मतलब सेकेंड डे है अभी हम जब आए हैं कोटा से, आज दूसरा दिन था फ्राइडे, तो अभी धीरे धीरे नॉर्मल होगा, चूंकि अभी दिन में खाना नहीं खाया था, तो अभी रात में महसूस हो रहा है कि हाँ खाना खाना है, मैंने नहीं खाया था, सुबह नाश्ता किया था फिर रखा था, फिर खाएंगे खाएंगे करते चलते चले गए। फिर ये मैंने खीर निकाली है और चावल परोसे हैं। चावल एकदम बिखरा बिखरा नॉन स्टिकी ही बनता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि चिपचिप हो जाए। हाँ वो बात है कि वो पूरा पैक है डब्बा, तो जमा जमा सा रहेगा, रखा रह जाएगा, तो यदि आप गरम गरम में आप कलछी से निकाल के किसी दूसरे बर्तन में निकालते हो तो एक एक दाना अलग रहता है, और जब आप हाथ से जैसे कई दाल चावल खाते हो आपको पूरा अलग अलग ही चावल का दाना रहेगा, बस स्टीम में ही पकता है वो। और कैश करो के थ्रू मैंने जो ऑनलाइन शॉपिंग की है आप सभी को जरूर पसंद आएगी, और आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, कैश करो को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको भी उतना ही फायदा मिलेगा।
बस आज का व्लॉग यही खत्म करना चाहती हूँ मैं। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।